भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी की प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं बिंदु इंजीनियर, जो कि महिला विंग की उपाध्यक्ष हैं। बिंदु जी, आप सोनीपत से संबंध रखते हो, सोनीपत के जो नेता हैं मोहनलाल बड़ोली, राय से विधायक हैं, वो ऐसा मानते हैं कि किसान बेवजह जो हैं वो हो हल्ला कर रहे हैं, ये जो कानून है उनके हित में है। अगर ये कानून हमारे हित में होते तो हम लोग यहाँ पे 8 महीने से बैठे हैं, तकरीबन 8 महीने हो गए हमें बॉर्डर पे बैठे हुए। हमारी 7-8 बार की सरकार से वार्ता भी हो चुकी है, इतना सब कुछ होने के बाद, और उनके तो हम दरवाजे पर आके बैठे हुए हैं। हमारा आंदोलन राय में ही चल रहा है, कुंडली बॉर्डर से लेकर राय तक। अगर उन्हें इतनी ही अपने कानूनों पर उनका यकीन है कि हमारे हित में है, तो वो आए हमारे बीच में, आगे हमें भी समझाएं, अपनी बात हमें कहें, हमारी बात सुने और उस बात को आगे सरकार तक पहुंचाए। अगर उन्हें लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है तो आए हमारे पास, आके हमें बताए, समझाए कि ये इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ कैमरे पे बोलने से ये तो काम नहीं चलेगा ना, कि वो कैमरे पे आए, कभी हमें आतंकवादी कह दे, कभी खालिस्तानी कह दे, कभी कुछ और कह दे, कभी कहे यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, और आज उनका ये बयान है कि हम यहाँ पे वैसे ही बैठे, ये हमारे हित में है। इतने तो बेवकूफ़ हम लोग भी नहीं है कि इसमें हमारा हित है और फिर भी हम लोग 8 महीने से यहाँ पे सड़कों पे बैठे, हमें भी घर अच्छा लगता है। तो क्या लगता है आपको, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आंदोलन अपनी सही दिशा में चल रहा है, ये बात हमने शुरू दिन से, पहले दिन से सरकार से बोली थी कि जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते और हमारी MSP का हमें गारंटी कानून नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम अपनी बात पे कायम हैं, अब फैसला सरकार को लेना है। तो आज जिस तरह से आप महिला हैं, महिला विंग के पूरा वो सिस्टम संभालते हैं, कितना मजबूती के साथ आप देखते हैं, क्योंकि आपकी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं चढ़ूणी साहब, उनको तो संयुक्त किसान मोर्चा कई बार सस्पेंड कर चुका है, दूसरी बार ये वाकया हुआ है। चढ़ूणी जी को सस्पेंड करना, वो तो वही बात होगी, देखो एक परिवार है, परिवार में सबका अपने विचारों में आपसी मतभेद होता है। चढ़ूणी जी ने अपने विचार रखे संयुक्त मोर्चे के सामने, अगर उन्हें पसंद नहीं आए तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ उनका कोई सैलरी बांध रखी थी उसमें कोई परेशानी होगी, ये तो विचारों का मतभेद है। उन्होंने कहा कि मिशन, जैसे मिशन उत्तर प्रदेश चल रहा है, मिशन उत्तराखंड चल रहा है, अपनी बात उन्होंने रखी कि मिशन पंजाब रखें, या तो पंजाब के लोगों को ये बताया जाए कि वो BJP को वोट ना दे के किसको वोट दें, या फिर जो किसान चाहते हैं अपने प्रत्याशी ने उतारे और चुनाव लड़े। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जो BJP लोग कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, उनका ये कभी मकसद नहीं रहा कि वो खुद चुनाव लड़े, ना ही उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया। उन्होंने सिर्फ एक ये बयान दिया है कि हमें मिशन पंजाब चलाना चाहिए, हमें या तो किसानों, उनको जो लोग हमारे हैं उनको बताना चाहिए कि हमें किसको वोट करें, या तो उन्हें कैंडिडेट दो या फिर आप लोग खुद चुनाव में आइए। तो आप मानते हैं चुनाव लड़ना चाहिए किसानों को? जरूर लड़ना चाहिए चुनाव, अगर हमारे पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है। आज हम अगर हरियाणा की बात करें, चाहे हम इनेलो की सरकार को ले लें, कांग्रेस भी रही, अब BJP भी है 2 बार से, किसी ने भी किसानों को इन तीनों काले कानूनों के लिए कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो हर बार परंपरागत तरीके से इन्हीं को फेर बदल करते रहे, उसका फ़ायदा क्या? तो चढ़ूणी जी ने यही कहा था कि पंजाब में हम एक ऐसा विकल्प बनाए, हम अपनी सरकार बना होगी हमारी, हम एक ऐसा मॉडल पेश करेंगे पूरे देश के सामने कि पूरे देश को ये लगे कि ऐसे भी काम किया जा सकता है। क्योंकि जो ये पारिवारिक परिवार चल रहे हैं, जो हमेशा से राजनीति में रहे हैं, एक को हटाते दूसरे को ले आते, दूसरे को हटाते तीसरे को ले आते, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये उनके अपने विकल्प हो सकता है, तैयार हो सकता है और होना भी चाहिए, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए आपकी भी उसमें। तो फिर इसका मतलब सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो ठीक कहते हैं कि आप लोग किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति चमका रहे हैं? वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं क्योंकि डर किसानों को तो नहीं है, लंबा आंदोलन खिंच जाए, अभी राजनीति शुरू कर लेते, चुनाव लड़ लेते हैं, बात खत्म। डर किसानों को नहीं है, अगर किसानों को डर होता तो वो चुनाव के मुद्दे पर नहीं बोलते। हमें पता है पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक हमारा सपोर्ट करेगी, डरने की बात उनके लिए है, नेताओं के लिए, इसीलिए। कितनी पब्लिक आपके साथ है, कितने लोग सिर्फ किसानी करते हैं? हमारे पास 70% लोग ऐसे हैं, हरियाणा पंजाब की बात करें तो, जो कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो 30% है जो किसानी नहीं करते लेकिन उनका जीवन तो किसानी के ऊपर टिका है। अनाज तो सभी खाते हैं, आप भी खाते हो, पत्रकार, जो अनाज खाएगा वो आपके साथ जाएगा, ये पक्की बात है? ये पक्की बात है, हमें इतनी उम्मीद है। तो इसका मतलब जो वहाँ पे साउथ में वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे? मैंने क्या कहा है, ये हम लोग 70% लोग किसानी करते हैं हरियाणा पंजाब में, 30% भी हमारे साथ इसलिए जुड़ेगा क्योंकि अनाज तो वो भी खा रहे हैं, साउथ के लोग हैं वहाँ पे भी किसानी तो होती है, इतने बड़े मेजर उस पर नहीं होती है लेकिन किसानी वहाँ भी होती है और खाना तो वो लोग भी खाते हैं।
खाना तो सरकार भी खा रही है, लेकिन सरकार आपकी आज सुन तो नहीं रही। उनको बना बनाया वही बात है ना, सिर्फ उन्हें तो बना बनाया मिलता है, उन्हें उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये दुष्यंत चौटाला सत्ता में नहीं आए थे तब तक तो वो भी किसान थे, संसद में ट्रैक्टर पे गए थे, लेकिन अब कहाँ गया वो? ट्रैक्टर की चाबी को खट्टर के पास गिरवी रख दिया। जब तक चुनावी मुद्दों पे बात करते हैं इलेक्शन से पहले, तब तक तो वो किसान होते हैं, उन्हें किसान सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि 70% लोग हम हैं, हमें हमारा वोट चाहिए, उन्हें वोट मिल जाए, सत्ता में पहुंच जाए, फिर वो नेता बन जाते हैं। अगर बिंदु को टिकट मिलती है किसान मोर्चा से, इस तरह की कोई राजनीतिक पार्टी बन जाए, टिकट मिलती है, तो कैसे भरोसा करें लोग कि आप उनकी? क्योंकि केजरीवाल साहब भी कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अब चल वो भी उसी राह पे रहे हैं। केजरीवाल जी तो देखो, उन्होंने और जनता से अच्छे, मतलब और नेताओं से, ये बात चढ़ूनी जी भी ने भी आपके सामने अभी कही थी कि और नेताओं से अच्छे हैं। अगर मुझे टिकट मिलती है, बिंदु को टिकट नहीं, पहले बात तो ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, अगर किसान मोर्चे की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ती हूँ और मुझे तो लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इन नेताओं से तो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जो अब हम कुछ नहीं है, इनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बाद में भी लड़ेंगे, विश्वास तो करना पड़ेगा जनता को। अब जो इनको लगातार धोखा दिए जा रहे हैं, इनका पारिवारिक मुद्दे चल रहे हैं, जो हमेशा से इन्हें धोखा दे रहे हैं, अगर ये उन पर विश्वास कर सकते हैं तो एक बार जो इनके हकों की लड़ाई के लिए घरों को छोड़कर सड़कों पर बैठे, उन पर विश्वास करके देख ले। चलिए ये मान के चलते हैं कि अगर मौका मिलता है तो किसान राजनीति से भी गुरेज नहीं करते, वहाँ भी अपना दमखम दिखा सकते हैं, मजबूर किए जाते हैं तो सही बात है। कौन सा बैठे हैं कह रहे हैं मजबूर, अगर हमें किया जाता है, प्रेशर हम पे बनाया जाता है, तो हम राजनीति में भी उतर सकते हैं और व्यवस्था परिवर्तन भी किसान वो कर सकते हैं। कैन मीडिया के लिए सिंगू बॉर्डर से अरुण कुमार।